यूपी के गाजियाबाद में 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 20 दिन में ही आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान अभियोजन कक्ष में अदालत में 10 गवाह पेश किए गए थे। घटना 19 अक्टूबर 2020 की है, जहां कविनगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस ने चंदल पांडे को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां चार्जशीट पेश करने के 20 दिनों के अंदर विशेष अदालत के न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव की कोर्ट ने आरोपी चंदन पांडे के फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी चंदन बच्ची के पिता की फैक्ट्री में ही काम करता था। बच्ची के साथ रेप हुआ था, उसके लिए पुलिस वालों ने मुझे बहुत मदद की है। पर हम जब तक उसको अपने आंखों से फांसी के डरते नहीं देख लेंगे, तब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी। देखिए, ये जो घटना हुई थी, इसकी सूचना मिलने के कुछ ही घंटों के अंदर ही हम लोगों ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया था। और ये मतलब जो है, इसमें काफ़ी पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई की थी। बहुत जल्दी इसमें चार्जशीट दाखिल की गई और इसकी पैरवी भी अच्छी की गई। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की, पुलिस ने अपनी तरफ से गवाहियां, इसमें 10 गवाह पेश हुए थे, जिन्होंने बहुत मजबूती से अपनी गवाह दिए। और उसका ये नतीजा निकला हर चीज़ का कि आज इसे कैपिटल पनिशमेंट मिली है, जो ये इस तरह की घटना करने वालों के लिए बहुत बड़ा डेटरेंट साबित होगी। और इससे जो है जस्टिस के ऊपर आदमी का जो विश्वास है, वो भी फेथ और डेवलप होगा और मजबूत होगा।